हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोगों ने खत्म कर लिया था, नाउ अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए बच्चों। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आपको क्या बताना है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पर आपका H3O+ है। अब आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम इसको डील करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन समझते हैं, अब मैं एक एक करके समझाता हूँ बच्चों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप आपका मैकेनिज्म शो करता है बच्चों, उसी के टाइप का करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लिथियम इस तरीके से होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने लिखवाया भी था। यहां से आपका H- है, ये आपका ऊपर जाएगा, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ कौन अटैक करेगा बच्चों आपका लिथियम। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, एक फिनाइल रिंग बनेगी और यहाँ पर O-Li+, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका क्या बनेगा CH3। ठीक है, नाउ इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों प्रोडक्ट, समझ लेते हैं बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। OH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका H। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर आपका कायरल सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका कायरल सेंटर है या आपका कायरल सेंटर होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, इनेंशियोमर पेयर बनेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इनेंशियोमर पेयर। अगर मैं बोलना चाहूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी व्हाट, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर स्टीरियो आइसोमर का इसका कितना होगा बच्चों, 2 होगा, एक होगा डी पेयर, एक होगा एल पेयर, डीएल पेयर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका डीएल पेयर। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता देता हूँ बच्चों, OCH3, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया OCH3। नाउ अब आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन कराना है H3O+। H3O नहीं लेते बच्चों, एक हर बार हम सेम ले रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, डी ले लेते हैं और यहाँ पर D3O+। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराना है और आपको प्रोडक्ट बताना है, काफी इजी कंसेप्ट है। अब इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था आपको कि आपको एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल और नॉन साइक्लिक ईथर। ठीक है, एल्कीन एल्काइन आपका रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, लेकिन आपका AlCl3 अगर आपका प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका एल्कीन और एल्काइन भी आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो यहां पर आपका AlCl3 प्रेजेंट नहीं है और आपका नॉन साइक्लिक ईथर, क्या बच्चों, नॉन साइक्लिक ईथर, देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे, नॉन साइक्लिक ईथर कैन नॉट रिएक्ट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर ये रिएक्ट नहीं करेगा तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर आपका ये वाला पोर्शन कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना ही ये आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि आपका OCH3 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैं एक और बार बना देता हूँ बच्चों ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर बच्चों, अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इस रिएक्शन में देखो ये आपका OCH3 आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाला OCH3 आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में इस तरीके से लिखता हूं बच्चों। ठीक है, नाउ दिस इज अ सोर्स ऑफ व्हाट बच्चों, D-, ये आपका D- का सोर्स होगा, ये यहां जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा, यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस, Li आपका यहां अटैक करेगा। नाउ अब आपका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। अभी मैंने हाइड्रोलाइसिस नहीं कराया बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर O- Li+, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका आ जाएगा D, यहां पर OCH3 और यहां पर भी OCH3।
नाउ अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा D3O+ के प्रेजेंस में, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ODDOCH3, और नाउ ये भी आपका OCH3। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हमको डील करना है। देखो जहां पर मैं एक्चुअली बच्चों, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अप्रोच करने का मेथड क्या है। आप भी उसी तरीके से अप्रोच करेंगे तो शायद आई होप सो कि आप काफी अच्छे रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड अब मैं बताता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, COOH यहाँ पर O। ठीक है बच्चों, अब इसका रिएक्शन मुझे सबसे पहले हीट करना है ए, ठीक है, और देन ए को मुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और D3O+ के साथ रिएक्शन कराना है बी प्रोडक्ट, तो आपको बताना है बी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले हीटिंग। अब हमारे माइंड में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर हीटिंग आता है तो हमारे माइंड में हमेशा ये मूव करना चाहिए कि यहां पर आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, ध्यान से समझेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पहला स्टेप आपका क्या है बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है हीटिंग के साथ है, देखो अब ये अल्फा बीटा क्यों बच्चों, क्योंकि ये बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड है तो सिंपली हीटिंग पे ही आपका डीकार्बोक्सिलेट होता है। ठीक है, अगर यहां पर डबल बॉन्ड ओ यहां होता तो NaOHCO की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी सिंपल कंसेप्ट है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे कि किस तरीके से अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसके प्रेजेंस में COOH, ठीक है, हीट करेंगे तो आपका CO2 गैस आपका रिमूव होगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, आई होप सो कि आपको यहां तक आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ सोर्स ऑफ H- मतलब हाइड्राइड। अब देखो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, ये आपका यहाँ अटैक करेगा और लिथियम आपका यहाँ अटैक करेगा। नाउ अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, O-Li+ यहाँ पर आपका डी, ठीक है, डी नहीं सॉरी एच। ठीक है, नाउ अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा D3O+ में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, OD और यहां पर आपका H। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अब हम समझते हैं बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, यहां पर मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ CH3 C डबल बॉन्ड CH3, CH3 और यहां पर आपका H। ठीक है, इसका रिएक्शन में ओजोन के प्रेजेंस में ZnH2O के प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस कराऊंगा, तो आपका ए प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ए प्रोडक्ट बनेगा। अब ए प्रोडक्ट का रिएक्शन में एक बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो यहाँ पर ए और बी प्रोडक्ट बनेंगे, तो बी का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और D3O+ के साथ कराना है, और ए का मुझको किसके साथ कराना है बच्चों, CH3MgBr के साथ कराना है, CH3MgBr के साथ कराना है। ठीक है, और इसका हाइड्रोलाइसिस भी कराना है। ठीक है, अब ए और बी हमको कैसे पता पड़ेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, ए के बारे में हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। एक ए आपका क्या है बता देता हूँ बच्चों, में यहाँ पर ए का मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ A=C3H6O, ठीक है, एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ B=C2H4O। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम क्या कराएंगे बच्चों, इसका हम क्या कराएंगे बच्चों, यहां पर ओजोनोलाइसिस। देखो ओजोनोलाइसिस हम किस तरीके से कराएंगे, देखो यहां पर क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप आपका ओजोनोलाइसिस है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ओ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3, COCH3, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा OCH3H, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी है, तो ये आपका बी कंपाउंड है। ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका ए है, तो ये आपका ए कंपाउंड है। ए कंपाउंड की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, CH3MgBr, वही आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसका H3O+ के साथ कराना है। तो ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा, यहाँ पर आके आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो CH3 CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों CH3, यहाँ पर O-MgBr, देन फर्दर में अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, देन फर्दर में अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो CH3 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 OH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करानी है, H3O+ के प्रेजेंस में, या D3O, बच्चों D3O+ के प्रेजेंस में कराना है। तो किस तरीके से होगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर लिथियम आएगा और यहाँ पर आपका हाइड्राइड आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा O-Li+, ठीक है, CH CH3 H, ठीक है। फर्दर में इसका D3O के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों CH2 CH3, यहाँ पर OD। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार ध्यान से देखोगे तो बच्चों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक काफी इजी क्वेश्चन थे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको एक दो बार करना चाहिए, ठीक है। ये आपका O CO CH3 CO O CH3, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, काफी सिंपल और काफी क्यूट और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराना है मुझे H3O+, जब बच्चों अगर जब तक आपको मोल ना दे, आपको हमेशा क्या मानना है, एक्सेस अमाउंट में, कौन से अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में। तो ये हमेशा कौन से अमाउंट में होगा बच्चों, आपका एक्सेस अमाउंट में होगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे, देखो यहां पर आपका ये क्या है, यहां पर आपका ये भी ईस्टर है और यहां पर आपका ये भी ईस्टर है, ठीक है। देखो अब एक एक करके कराते बच्चों, यहां पर आपका ये आपका ए और बी दोनों का साइमल्टेनियसली मैं लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगा, तो ये बॉन्ड आपका ऊपर जाएगा O-Li+, ठीक है, और यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा एच, यहाँ पर ओ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका O-Li+, यहाँ पर एच, सॉरी यहाँ पर आपका O CO-Li+, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों एच, यहाँ पर CH3। देखो दोनों को मैंने वैसा लिख दिया, ठीक है। नाउ अब क्या होगा यहाँ पर, नाउ अब ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला खुलेगा, अब ये यहाँ जाएगा और यहाँ से आपका ये वाला खुलेगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ से जब ये आपका खुलेगा, तो यहाँ पर O-Li+ बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर O-Li+ बन जाएगा, और मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना भूल गया, तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच आ गया, ठीक है बच्चों। नाउ अगर मैं इसका रिएक्शन फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दूंगा, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर आपका लिथियम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर O-Li+, यहाँ पर CO-Li+, यहाँ पर आपका एच, यहाँ पर आपका एच। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है और काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आप अगर एक दो बार अगर इसको करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा और किस तरीके से डील करना है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, CH3 CH3 CH3,
ओ अगर मैंने इसकी रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O+ के साथ करवाया और मैंने इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O+ के साथ कराया, ये आपका ए प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपका बी प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्वेश्चन आपका है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, फाइंड द प्रोडक्ट ए एंड बी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब देखो मैं इसको क्या मान लूंगा बच्चों, ये मैं इसको मान लूंगा पाथ ए और इसको मैं क्या मान लूंगा बच्चों पाथ बी। अब ध्यान से समझेंगे, फॉर पाथ ए के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पाथ ए में क्या है, AlCl3, AlCl3 इज प्रेजेंट। अगर आपका AlCl3 प्रेजेंट होगा सो एच माइनस फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा CH3, सॉरी यहां पर हाई सब्स्टिट्यूटेड, अगर ये होगा तो हाई सब्स्टिट्यूटेड पे होगा बच्चों। CH3 पे आपका अटैक करेगा कौन, हाइड्राइड, ठीक है, और यहां पर कौन अटैक करेगा, लिथियम वाला, ठीक है। तो यहां पर CH3, यहां पर क्या जाएगा बच्चों, इसके लिए मैं लिख देता हूं पाथ ए, ठीक है, पाथ ए के लिए बच्चों, ठीक है। पाथ बी को मैं ब्लू मार्कर से बना दूंगा ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा तो यहाँ पर O-Li+, यहाँ पर CH3। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर CH3 CCH3, यहाँ पर H, यहाँ पर COH, यहाँ पर CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पाथ बी की, तो पाथ बी में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। फॉर पाथ बी AlCl3 इज एब्सेंस, AlCl3 इज एब्सेंट, सो H- फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट, मतलब कम सब्स्टिट्यूटेड साइट पे अटैक करेगा, मतलब आपका एच माइनस आपका यहाँ अटैक करेगा और लिथियम आपका यहाँ अटैक करेगा और बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा। दिस इज फॉर व्हाट, पाथ बी, दिस इज फॉर व्हाट, पाथ बी, दिस इज फॉर व्हाट, पाथ बी। पाथ बी मतलब ब्लू मार्कर से मैंने बनाया बच्चों, ध्यान से समझ लेना। ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा तो यहाँ पर CH3 CCH3, यहाँ पर O-Li+, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन। नाउ अब अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CCH3, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर CH CH3। आई होप सो कि आपको पाथ ए और पाथ बी का प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। ये काफी सिंपल क्वेश्चन थे, आप लोगों को इसको एक दो बार कोशिश करना चाहिए और इसको है ना बार बार करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपने इसको बार बार अगर देखा तो आई होप सो कि आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है। देखो ध्यान से, ये मेरे पास ऐसा है कंडीशन, ये मैंने यहां पर पीएच, यहां पर CO CH3, यहां पर CO H और यहां पर मेरा पीएच, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H3O+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं हम, सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान से करेंगे बच्चों एक एक क्वेश्चन को। अगर मैं सॉल्यूशन की ओर चलूंगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पर बीटा पोजीशन पे अराइल है, करेक्ट है, लेकिन अल्फा एंड बीटा अनसेचुरेटेड नहीं है, क्या है बच्चों, सेचुरेटेड। तो आपका वो वाला कंडीशन आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा बीटा, ये अल्फा, ये आपका बीटा, ये अनसेचुरेटेड नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड आपका खुलेगा, यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ पर पार्शियल माइनस। तो देख लेते हैं बच्चों नीचे हम अच्छे से, ये हमारा पीएच, ये हमारा पीएच, यहाँ पर ये बॉन्ड आपका खुलेगा, यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ पर CH3, ये वाला बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
ठीक है, और यहां पर H3O+। अब देखो यहां पर कौन अटैक करेगा, H-, और यहां पर कौन अटैक करेगा, Li+। सिमिलर इस केस में यहां कौन अटैक करेगा, H-, और यहां पर कौन अटैक करेगा, Li+। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम यहां से, ठीक है, यहां से अटैक करेगा। तो देखते हैं बच्चों, अब हम इसको ध्यान से समझते हैं। देखो pH ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ये मेरा यहां पर pH, डबल बॉन्ड यहां पर CO-Li+, यहां पर मैंने H, यहां पर मैंने CH3, ठीक है, यहां पर मेरा क्या जाएगा, CH2, H2 दो H हो जाएंगे, यहां पर O-Li+। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, क्या कराऊंगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से यहां पर pH बन जाएगा, और यहां पर pH, यहां पर CH OH, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका CH2OH। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म चलना है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन दे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 से आपके काफी कॉन्सेप्ट भी आपके फिर से क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिया, यहां पर देखो यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पर NO2, यहां पर COCH3, यहां पर OCH3, यहां पर OH, यहां पर मैंने लिया COOCH3, ठीक है। अब आपसे पूछा कि एक्सेस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O+ कराऊंगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, अमाइन में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, अमाइन में। तो ध्यान से समझेंगे, मैं आपको यहां पर नंबर ऑफ मोल भी बता देता हूं। देखो यहां पर NO2 के लिए आपको हमेशा 6 हाइड्रोजन मतलब 3 मोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहां पर हमेशा कितने मोल की, 2 मोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहां पर इसी तरीके से ध्यान रख लेना बच्चों इसका, यहां पर हमें हमेशा 1 मोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि ये क्या है बच्चों, कीटोन, ध्यान से समझना, ये आपका कौन सा कंपाउंड है, नाइट्राइल, ठीक है, ये आपका कौन सा है, नाइट्रो, नाइट्रो कंपाउंड में 3 मोल की, ये आपका क्या है बच्चों, ईस्टर है, और ईस्टर के केस में हमको कितने मोल की, 2 मोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये आपका कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये आपका एल्कोहल है, और ये आपका कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये आपका नॉन साइक्लिक ईथर है, तो ये भी आपका कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये दोनों आपके कन्वर्ट नहीं होंगे बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका प्रोडक्ट मुझे बनाना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो काफी इजी क्वेश्चन है, NO2 आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CN आपका CH2 NH2 में 1 डिग्री अमाइन, अगर मैंने बात किया इसकी तो यहां पर आपका यहां पर CH OH यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, OCH3 आपका कन्वर्ट नहीं होगा, OH भी आपका कन्वर्ट नहीं होगा, यहां पर आपका ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH, ये आपका CH2, ठीक है, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, आप एक एक करके अगर इस पे मैकेनिज्म लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोला, यहां पर मेरे पास CO Cl, ठीक है, यहां पर मेरे पास CO CH3, यहां पर मेरे पास CO OCH3, यहां पर मेरे पास OCH3, यहां पर मेरे पास क्या है बच्चों, यहां पर मेरे पास CO H, ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड है। अगर मैंने यहां पर 3 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, 3 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पर मैं BR कर देता हूं, एक बार मैंने 3 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, एक बार मैंने एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया H3O+, ये हमारा हो जाएगा A और ये हमारा हो जाएगा B। यहां पर पार्ट ए का भी मुझे प्रोडक्ट बताना है और पार्ट बी का भी प्रोडक्ट बताना है, और पार्ट बी में नंबर ऑफ मोल भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, एक दो बार अगर हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के हिसाब से बच्चों OCH3 आपका रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है,
यहाँ पर RX आपका किसके अंदर कन्वर्ट होता है बच्चों, RH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर COCl आपका 2 मोल के साथ, 2 मोल के साथ आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपका COCH3 मतलब कीटोन ग्रुप आपका 1 मोल के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर आपका इस तरीके से H, यहाँ पर CH3, ठीक है। और आपका एस्टर कंपाउंड किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 2 मोल कर लेते हैं, कितने मोल कर लेते हैं बच्चों, 2 मोल, हाँ 2 मोल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 2 मोल कर लिया तो यहाँ पर ये आपका 2 मोल में कितने में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, CO, ठीक है, CO यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर CH2OH आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये सारे आपके यहाँ पर ग्रुप दिए हुए, देखो एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड आपका 1 मोल के साथ कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारे मैंने बता दिए यहाँ पर प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी बच्चों, पार्ट ए की, देखो पार्ट ए में क्या करेंगे बच्चों, रिएक्टिविटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, रिएक्टिविटी कॉन्सेप्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा क्या होगा बच्चों, देखते रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले हमारा क्या था बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिखाया था बच्चों, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले हमारा क्या था, एसिड हैलाइड। तो यहां पर क्या आएगा, एसिड हैलाइड के बाद क्या आएगा बच्चों, एसिड हैलाइड के बाद क्या आएगा बच्चों, यहां पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद मैंने वहां पर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर का एक क्वेश्चन कराया था मैंने लास्ट लेक्चर में, यहां पर एल्डिहाइड के बाद आपका क्या आता है बच्चों, कीटोन, कीटोन के बाद क्या आएगा बच्चों, कीटोन के बाद आपका आएगा एस्टर, और एस्टर के बाद क्या आएगा बच्चों, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर सबसे पहले अब हम समझते हैं एक एक करके कि यहां पर सबसे पहला, देखो ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका पहला होगा, दूसरे बार में ये हो जाएगा, ये आपका तीसरी बार में होगा, और ये आपका फोर्थ बार में होगा। लेकिन मुझे कितने मोल दिए हुए, 2 मोल दिए हुए, मुझे कितने मोल दिए हुए बच्चों, 2 मोल दिए हुए, ठीक है। अगर मैं पहला मोल, ध्यान से समझना कि यहां पर अगर मैं पहला मोल COCl, ठीक है, यहां पर मेरा Br है, यहां पर मेरा COH है, ठीक है, और बाकी तो होंगे नहीं, तो मैं इनको कन्वर्ट नहीं करूंगा बच्चों, ठीक है। ये OCH3 तो आपका होता ही नहीं है, यहां पर COOCH3, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर अगर मैं 2 मोल लूंगा तो 2 मोल में केवल ये कन्वर्ट होगा, और ये भी कन्वर्ट की कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से मैं यहीं पर बताता हूँ मैकेनिज्म, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। देखो ये आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ओ माइनस एल आई प्लस, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, सी, ठीक है, सी, और यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर सी एल, इस तरीके से होगा बच्चों, और दूसरा मोल आपका यहाँ आ जाएगा काम में, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर ओ माइनस एल आई प्लस, दूसरा एच भी तो आएगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर COOCH3, यहाँ पर COCH3, और यहाँ पर Br, ठीक है। अब मैं अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलाइसिस कराने से पहले ये आपका नीचे जाएगा, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा COOH, ये आपका एल्डिहाइड बन गया, ये आपका क्या बन गया बच्चों, एल्डिहाइड बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया, CH2OH आ गया बच्चों, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Br, और यहाँ पर COCH3, यहाँ पर आपका COOCH3, ठीक है, यहाँ पर आपका OCH3। तो ये केवल और केवल आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। जैसे ही मैं अगर 3 मोल लूंगा, ये तो मैंने 2 मोल की बात की, एक मोल यहाँ लगाया, एक मोल यहाँ लगाया, जैसे ही मैंने 3 मोल की बात करता तो ये वाला एल्डिहाइड हो जाता कन्वर्ट। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, फॉर पार्ट ए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पार्ट बी की, तो पार्ट बी में मैंने आपको बता दिया कौन कौन आपका चेंज होगा, सारे कंपाउंड आपके चेंज होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पार्ट बी में क्या होगा, फॉर पार्ट बी के लिए बच्चों आपका असाइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था इस पे मैकेनिज्म लगाएंगे तो CH2OH, ठीक है, कीटोन आपका सेकेंड डिग्री अल्कोहल देता है, ठीक है, और एस्टर आपका क्या देगा बच्चों, CH2OH देगा, ठीक है, OCH3 का आपका रिडक्शन नहीं होगा,
इसका आपका रिडक्शन होगा तो यहां पर क्या बनेगा, CH2OH बनेगा। आप लोग मैकेनिज्म लगा के देखना, Br की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, H आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर पार्ट बी एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पार्ट ए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप लोग एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, देखते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर CH3 ये H कर दिया, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर H, ठीक है। ये मेरा, इसको मुझे कन्वर्ट करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O+ के साथ, देन आफ्टर मुझे H+ के साथ इसको हीट करना है। तो यहां पर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के बारे में बताना है, ठीक है, बात क्लियर है बच्चों। तो इसको कैसे करेंगे सोल्व, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा तो अब इसके आगे मैं एक और क्वेश्चन लगा सकता हूँ, यहाँ पर CHBr के साथ रिएक्शन कराना है आपको, ठीक है, या फिर आपको किसके साथ कराना है बच्चों, यहाँ पर HOCl के साथ रिएक्शन कराना है डी, ठीक है, आपको ABCD ऑब्टेन करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन समझेंगे। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर कौन आएगा पार्शियल प्लस, यहाँ पर क्या आएगा पार्शियल माइनस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर CH2 कर देता हूँ, ठीक है, इसको क्या कर लो बच्चों CH2 कर लो, ताकि क्वेश्चन आपका काफी और अच्छा बन जाएगा, ठीक है, CH2, ठीक है, CH3 कर लो, ठीक है, क्वेश्चन आपका काफी अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले कौन अटैक करेगा, यहाँ पर आपका H माइनस, यहाँ पर आपका लिथियम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH CH3 CO- Li+, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा H आ जाएगा और यहाँ पर आपका CH3। देन फर्दर में इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या होगा बच्चों, जल्दी से देखो, CH3 C CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर COH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3। देन अगले स्टेप को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन स्टेप। अगले स्टेप को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिहाइड्रेशन स्टेप। तो इसमें क्या होगा, H प्लस आपका अटैक करेगा इस पोजीशन पे, H प्लस जब आपका इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ पर CH3 CH CH3, यहाँ पर आपका क्या बनेगा CH कार्बोकेटाइन और यहाँ पर आपका CH3। यहाँ पर क्या बना बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या ये आपका स्टेबल है, नहीं, ये आपका अगर मूव करेगा तो यहाँ पर 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आएगा। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा बच्चों, इस तरीके से आपका यहाँ पर CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। नाउ अब मुझे यहाँ से H को निकालना है, बीटा एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये आपका कौन सा रिएक्शन है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू मैं अगर यहाँ से H को निकालूंगा, H को यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकालूंगा, तो यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालू, यहाँ से निकालू, बात एक है। तो अगर मैं वहां से निकालूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ऐसा बनेगा। अगर मैंने इस पोजीशन से निकाला β1 से, इसको मैं β2 नाम देता हूँ, फॉर β1 से निकाला तो ऐसा बनेगा। अगर मैं इसका, इसको अगर मैं β2 पोजीशन से निकालूं बच्चों, किससे निकालूं बच्चों, β2 पोजीशन से, तो β2 पोजीशन से अगर मैं निकालूंगा इसको, तो β2 पोजीशन से क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज अ मोर स्टेबल ड्यू टू द 9 अल्फा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 अल्फा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। अब देखो मेजर प्रोडक्ट की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी थी बच्चों, एक बार HBr के साथ, एक बार HOCl के साथ, ठीक है। अब HBr के साथ कैसे कराओगे बच्चों, मार्कोनिकोफ। अब देखो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा CH3 CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, Br- के अटैक के बाद, Br- जब यहाँ पर अटैक कर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये HOCl को हटा देता हूँ, जब यहाँ पर आपका Br- अटैक करेगा तो यहाँ पर CH3 CBr CH3 CH2 CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब मैं बात करता हूँ HOCl।
HOCl के केस में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, Cl प्लस। अब देखो Cl प्लस के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर CH3 C प्लस डबल बॉन्ड, यहां पर CH, यहां पर CH होगा और यहां पर कौन जुड़ेगा OH, ठीक है, यहां पर कौन जुड़ेगा Cl, जो कि किसका फॉर्म करेगा बच्चों, NCC का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहां पर अगर आपका NCC का फॉर्मेशन हो गया है तो NCC के फॉर्मेशन की वजह से जो अगला जो OH होगा वो आपका कहां से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक, तो यहां पर कैसा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपको, एंटी प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर कैसा प्रोडक्ट बनेगा, एंटी प्रोडक्ट। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पर कितने कायरल सेंटर है, यहां पर एक कायरल सेंटर है, तो ये आपका इनेंशियोमर पेयर बनेगा, यहां पर ये आपका इनेंशियोमर पेयर बनेगा। क्या यहां पर आपका इनेंशियोमर पेयर बनेगा, नहीं बनेगा, ये आपका मेजर से बना है, माइनर से आप लोग एक बार खुद इन्हें ट्राई करना, वहां पर मुझे बताना इनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर पेयर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। आई होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज अ ओनली रिविजन लेक्चर फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, और उसी में हम एग्जाम्पल को समझ लेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।